शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यस मैम। हेलो, आप कौन? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। टिया, तुम्हारा फोन है। हेलो। हेलो, कौन है? तुम्हारा दोस्त। जय। टिया। टिया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जय, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो फोन पर ही। नहीं टिया, पर्सनल बात करनी थी। आई एम सॉरी जय, मैं नहीं आ पाऊंगी। सिर्फ सिर्फ एक बार, याद है तुमने कहा था कि रिश्ते शुरू होते हैं खत्म नहीं, फिर किसी भी रिश्ते से आ जाना। आज 5 बजे कैफे बिस्तरो, मैं इंतजार करूंगा, आओगी ना? टिया, हाय। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। आओ। कम। क्या बात है जय, आज तुम्हारे होटल के इस रेस्टोरेंट में कोई आएगा और... भी नहीं। इट्स बुक्ड ओनली फॉर यू। हाँ, आइसक्रीम तुम्हारी पसंद। टिया, शो खत्म हो जाने के बाद तुम्हारा साथ नहीं रहा तो ऐसे लगने लगा जैसे कि जिंदगी खाली हो गई हो। जय, तुम जानते हो कि मैं... हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ टिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और दुनिया के सारे MDs, CEOs, VIP बिजनेसमैन मेरे साथ उठने बैठने के लिए तरसते हैं और मैं तुम्हारे लिए तरसता हूँ टिया। जय, बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास सारी दुनिया पड़ी है, फिर तुम मेरी छोटी सी दुनिया को अपना बिजनेस क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। 4 दिन की जान पहचान को तुम रिश्ते में नहीं बदल सकते जय। क्यों नहीं? तुम दिल का रिश्ता जो मेरे साथ जोड़ना चाहते हो, वो दिल का रिश्ता तो राज के साथ जुड़ चुका है, इसलिए तुम दोबारा मुझे लेकिन दिया। अगर तुम चाहो तो अभी। एक्सक्यूज मी, अगर तुमने मुझे आज यहां अपने प्रपोजल का जवाब सुनने के लिए बुलाया है तो मेरा जवाब है नहीं मिस्टर जय मेहता। थैंक यू वेरी मच, मुझे देर हो रही है। आई वाज सो श्योर कि तिया तुमसे प्यार करती है, वो हंसी, वो मजाक, वो बातें, वो ऐसे इनकार करके कैसे चली गई, और वो भी उस मोटरसाइकिल वाले के साथ। चीयर अप बेटे, चीयर अप। ये सुन, तेरे ही जैसा एक लड़का था, लड़की ढूंढते ढूंढते बेचारा परेशान हो गया, तो किसी ने कहा कि तू अखबार में एडवर्टाइज क्यों नहीं देता कि मुझे बीवी चाहिए। लड़के ने कहा ठीक है यार, उसने अखबार में एडवर्टाइज दिया कि मुझे बीवी चाहिए। जानते क्या अंजाम हुआ? हफ्ते के बाद हजारों खत आए, हर खत में एक जुमला कॉमन था, क्या है पता है? सबने लिखा था जब चाहो मेरी बीवी ले जाओ यार, मेरी बीवी ले। हे कमॉन यार, मैं तो तेरा मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीयर अप। वो वहाँ आई थी ना, बस दैट मींस शी इज इंटरेस्टेड। हाँ, हो सकता है उसके घर वालों ने किसी को ज़बान दी हो। करेक्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका दिल भी इस बात को मानता हो। और फिर उसकी शादी भी नहीं हुई बेटे, अभी भी चांस है, हिम्मत मत हार। कोशिश करता रहे, तेरे प्यार की अर्जी एक न एक दिन जरूर पास हो जाएगी। आइए, पधारिए लेट लतीफ साहब। जी, मैं
जी आप कौन है? साहब ने फूल और एनवेलप आपके लिए भेजा है। अच्छा? और जवाब भी मांगा है। ओ, अब चाय वाले नवाब साहब। हैप्पी बर्थडे टिया। ये फूल इस बात के गवाह हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। इस शहर की धूल मिट्टी और पोल्यूशन से तुम्हारी खूबसूरती मुरझा सकती है। ये चाबी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी गाड़ी की है। तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारा चेक। ये लो और जाके दे देना। किन साहब ने तो राज को कहना मैं अभी आई। राज अभी नहीं आया माँ, वो किसी ने गलती से घंटी। तुम फिर आ गए? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि बार बार चलाता हूँ डांट खाने, क्या करूँ। पर ये फूल तुम्हें कहाँ से मिले? कुदरत ने दिए। कुदरत ने? हाँ, हवा पानी मिट्टी खाकर बड़े हुए हैं तो कुदरत ने ही तो दिए हैं। पर ये तुम्हें कहाँ से मिले? वो बाहर मिले, बड़े अच्छे लगे, सोचा तुम्हारे लिए ले चलता हूँ। अच्छे नहीं लगे? तुम्हें फूल तक लाने। सुनो टिया, आज भी लेट हो गए। कैसे हो? बहुत बुरा है। फूल तो बहुत अच्छे हैं। दूसरों के फूल उठा लाया है, अपने फूल तक लाने याद नहीं। तुम्हारे प्यार में सब भूल जाता हूँ ना। आना क्यों नहीं भूल जाते? मेरे घर का पता मुझे क्यों नहीं भूल जाते? आना तो मैं भूल गया था, लेकिन क्या करूँ, मेरा लाइसेंस यहाँ रह गया। नुक्कड़ में पुलिस वाले को देखा तो याद आया, कहाँ है मेरा लाइसेंस, कहाँ है? यानी कि इसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं माँ। ओह माय गॉड, आज तुम्हारा बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। वैसे इसीलिए तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो पहली बार। माँ देखो ना इसे। टिया प्लीज, तुझे तो मालूम है राज कितना मस्करा है। जब तक तुझे सता नहीं लेता उसका खाना हजम नहीं होता। क्यों सताया तुमने उसे? ऐसे आज तो छोड़ दिया होता ना, उसका बर्थडे है, जाओ जाके मनाओ उसे। दो मिनट माँ। जाओ। ए, बहुत सुंदर लग रही हो आज, सच। हैप्पी बर्थडे। वैसे जन्मदिवस के शुभ अवसर पर माँ, मैं सोच रहा था कि इस साल टिया को कुछ देने के बजाय ले ही जाता हूँ शादी करके, कैसी रही? हाँ बेटा, मैंने भी यही सोचा है कि तुम दोनों अब शादी कर लो। लेकिन तुम शादी के बाद भी टिया को इसी तरह से तंग करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ? After all, यही हंसी मजाक तो जिंदगी है ना। तो बाकी की बातें भी तय कर लेते हैं। बाकी की बातें? जी वो मेरा अपना तो कोई है नहीं, तो दहेज वगैरह की बात तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना। दहेज? जी। देखो राज, तुम तो जानते हो कि मेरा जो कुछ भी है सब टिया का है, फिर भी तुम बोलो और क्या चाहते हो? सोच लो मैं एक बार। राज तुम ये। हाँ सोच लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम माँ, मुझे दहेज में माँ चाहिए, फिर से अनाथ नहीं होना चाहता मैं। लेकिन बेटे के घर माँ नहीं रहती बेटा। बेटे के घर तो रहती है ना। मुंह से बेटा मत बोल माँ, दिल से मान ले। हाँ के तो ना माँ। आज मुझे सब कुछ मिल गया माँ, सब कुछ।